पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है। अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको बता रहा हूं। सर क्या कोर्ट रूम में गोली चली? थे कोर्ट के अंदर जो है ले जा रहे थे, अचानक हुआ क्या हुआ, हम कोई समझ नहीं पाया। कोई जितने लोग थे कोई नहीं समझ पाया। अचानक जो है वकील के ड्रेस में थे, गेट पे ही जैसे कोर्ट में घुस रहे थे उससे ही चलाने लगा। वो कोर्ट में किस जगह? मेन गेट, मेन दरवाजे पर। कैसे अधिवक्ता के ड्रेस में आए थे? पकड़ लिए थे। अब हम लोग पैसे के लिए ला रहे थे जीवा को कोर्ट में, और कोर्ट के पास पहुंचे ही थे कि अचानक गोली चलने लगी। अब वो कौन थे ये तो हम नहीं जानते कौन थे, लेकिन वो वकील के ड्रेस में थे। नहीं, बिल्कुल कोर्ट के गेट के पास ही थे। हाँ, हम अब वो गोली मारा है क्योंकि हम आगे थे, तो एक गोली हमको भी हमारे पैर में लगी है। अभी इलाज चल रहा है, अभी रिपोर्ट कोई आई नहीं है। मौके पे थे कि आरोपी को आदमी ने पकड़ा था? जी, हम ही लोग दबोचे थे उसको। अब एक तो पकड़ गया मौके पे, बाकी कितने थे ये जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसे के लिए ले जा रहे थे ना।
में जो है गोली चली है, एक व्यक्ति ने गोली चलाई है जिसमें संजीव जीवा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। और हमारे कांस्टेबल को भी दो को लगी है जिनको कि खतरे से बाहर उनका इलाज चल रहा है। तो वो और बाकी एक कोई बच्ची के बारे में बताया जा रहा है, उसे गोली ले के जी एम यू में भेजा गया है। तो डिटेल हम आपको जो है सब अपडेट करके बताएंगे। अभी देखिए हमें एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये कि वो अरेस्ट किया गया है जो भी जानकारी हमको मिली है। गोली लगी है, हॉस्पिटल भेजा गया है। उसमें दो पुलिसकर्मी जो उसको साथ लेके आए थे उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है। बच्ची का भी बताया जा रहा है, तो बच्ची भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। बाकी जैसे होगा घटना के बारे में अपडेट देंगे। ये जो जीवा है, क्या ये किसी गैंग से जुड़ा होता है? ये अपराधी है, सजायाफ्ता अपराधी है, और जानकारी जैसे पता चली आपको अपडेट देना। ठीक है, बताया जा रहा है वो सब जानकारी बाद में। ठीक है, आज कोर्ट परिसर में गोली चली है और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है। आसपास के एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी है, परंतु अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु भेज रहे हैं। एक प्रकाश है, अभी अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है, हम अस्पताल के से बात नहीं हो पाई। अभी तक जो घटना हुई है उस घटना में क्या अपडेट है? उस घटना में क्या अपडेट है? घटनाक्रम पूरा क्या है? आज जो यहाँ लखनऊ के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो घटना हुई है उसके संबंध में आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिली है। एक संजीव उर्फ जीवा, उनको गोली मारी गई और उनको मृत घोषित किया गया है। और जो एक और बच्ची थी वहां पर, लगभग 8 से 10 साल की बच्ची थी, उसको भी चोट लगी है उसकी, और वो केजीएमयू में भेजी गई है। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स से अभी लेटेस्ट अपडेट हमने जो लिया है उसकी कंडीशन स्टेबल है और अभी उसका उपचार चल रहा है। और बाकी अभी यहाँ की जो सिचुएशंस हैं वो अधिवक्ता बंधुओं से बात हो रही है और उसमें जैसा भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। अभी उसका चिन्हीकरण करके उसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और उसकी भी सिचुएशन काफी गंभीर है। उसको भी बहुत चोटें आई हैं, तो वो भी सिचुएशन उसकी गंभीर है। अभी बाकी डिटेल्स हम देंगे आपको। बच्ची की केजीएमयू में उपचार चल रहा है, उसकी कंडीशन स्टेबल है। अभी 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 अंदर जाकर हमारे जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो भी अंदर जाकर पूरी सिचुएशन का मुआयना करेंगे और उसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। हाँ, ये अभी जांच का विषय है कि कितने लोग आए थे, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन जिसने गोली मारी है उसको पकड़ा गया और वो भी घायल है और वो भी काफी ज्यादा अभी ये हम लोग आपको बाद में अपडेट देंगे जिस तरह के भी आएंगे। थैंक यू।
लखनऊ के सिविल कोर्ट परिसर में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें संजीव उर्फ जीवा के ऊपर गोली चलाई गई और उसकी डेथ हो गई। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई वो गिरफ्तार हो गया है। इस इंसिडेंट में एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 1.5 साल थी उसको भी चोट लगी है, लेकिन हॉस्पिटल में उसको भेजा गया है। वहां हमारी डॉक्टर से बात हुई, वो सुरक्षित है, स्टेबल है उसकी कंडीशन। यहां पर जो अधिवक्ता बंधु हैं उन लोगों से वार्ता की जा रही है, जो उनके सुरक्षा के कंसर्न हैं उनको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। इसके साथ ही जो आरोपी था जो पकड़ा गया है, क्या कुछ इसके बारे में अभी तक अपडेट मिल रहा है? नाम जो बताया जा रहा है विजय यादव नाम बताया जा रहा है, लेकिन ये कन्फर्मेटरी ये सूचना होने पर आप लोगों को शेयर किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई अपडेट अगर आरोपी के बारे में या जो बच्चे को चोट लगी या जो पुलिस कर्मियों को? जैसे ही और डिटेल्स आते हैं हम आपसे शेयर करेंगे।